गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून सर, सर, गुड गुड आफ्टरनून सर, आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून गुड एवरीवन। कल आफ्टरनून सर। भी क्लास नहीं थे ना तुम्हारी? नहीं थी सर। नहीं नहीं सर। सर, नहीं नो सर, सर। तो मतलब 2-3 दिन तो मस्ती करी नहीं? क्या सर? नहीं सर, सर, दो ही नहीं दिन। सर, सारा सर हाँ इतना मैंने सारा ऑनलाइन होमवर्क देख दिया लिया था सर, क्या मैं मिस किया ना सर, होमवर्क इतना बहुत किया होमवर्क सर, दिया होमवर्क कर सर। लिया सर पूरा। सर लेकिन सर लेकिन रिलैक्स था थोड़ा बहुत। बहुत दिनों बाद कोई एग्जाम भी नहीं था संडे को, राइट? यस हाँ सर, यस यस सर, अभी नहीं सर। है सर। सर बहुत कम ही दिन आते हैं ना, तो बस ठीक है, याद करना पहली बार उसको। इतना रिलैक्स था ये वाला हफ्ता सर। पर तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे जैसे पहले जब तुम किसी भी स्कूल या ट्यूशन व्यूशन करते थे, पेस का काफी प्रोफेशनलिज्म सिस्टम चलता है, नहीं चलता है? यस यस सर। सर, हाँ यस सर। सर। तो तो क्या पता नहीं चलता है, गाड़ी लास्ट तक खींचती जाती है, तो फिर लास्ट में पुश बस तुम्हारी तरफ से चाहिए होता है, समझ में आ रहा है? यस सर, यस यस सर। सर। है कि थोड़ा सा यार ऑब्वियसली हर चीज में क्या करते हैं, कोई भी चीज बहुत भी पसंद हो तो भी उसको कर 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 थोड़ा बोर होते हैं, हाँ है ना? बहुत यस पसंद हो तो भी, यस सर। इफ आई लव ईटिंग समथिंग बट उसको ज्यादा खाऊंगा तो बोर हो ही जाऊंगा ना, करेक्ट हाँ और सर, नॉट? हाँ सर, एक टाइम के बाद सर हो जाता है। हाँ, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके उसको वापस एंजॉय करना है, मतलब इट्स थिंक ऑफ इट लाइक दैट कि यस तपस्या है तो तपस्या में हर चीज मोह माया नहीं होगी, तो थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, भले थोड़ा बोर होंगे, कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे तो पढ़ने पड़ेंगे, हर चीज ऐसे एंटरटेनिंग नहीं हो सकती। वाल क्या होता है, दूसरी क्लासेस जो होती है ऑनलाइन ऑनलाइन की, जब इनमें क्या होता है, बच्चों के पास ऑप्शन होता है कौन सा लेक्चर अटेंड करने का, तो फिर बच्चों को इतनी फ्रीडम देना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ से ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट बच्चों को इतना फ्रीडम दे दोगे तो वो अपने हिसाब से सिर्फ मजेदारी क्लासेस अटेंड करेंगे, समझ में आ हाँ रहा है? सर, जैसे आप हाँ कह रहे हैं। सर, सिर्फ मसाला क्लासेस, तो मसाला क्लासेस वो फैकल्टी भी वैसे ही पढ़ाएगा क्योंकि उसको भी अपना ध्यान रखना है, तो फिर कंटेंट क्लियर नहीं होता है, समझ में आता है ये बात? ये बहुत हाँ मेच्योरिटी सर, की बात, क्योंकि डिसीजन लेना तो क्या 1 मिनट का काम है, रिजॉइन कर लेते हैं, बट वो अगर टेक्निकलिटी समझोगे ना तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे सिर्फ मस्ती वाली चीजें पढ़ानी है उनको, क्यों एंटरटेनमेंट देना है हर क्लास में, अदरवाइज हर क्लास में स्ट्रेंथ कम हो जाएगी वहां पे, बट तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम्हें बेस्ट फैकल्टी दे दिए गए हैं, जीकेएम सर से बेस्ट तो कोई है ही नहीं, है ना? बेटर नहीं सर, ठीक है आपसे बेटर बस, कोई हाँ रहेगा सर, नहीं। तो अपने थोड़ी बहुत खुद की क्लास में बढ़ाई करनी प्रोफेशनल पड़ती है, थोड़ी बहुत खुद की बढ़ाई करनी पड़ती है फिर बीच करने की बीच जरूरत नहीं में सर। सर। आज हाँ स्टोरी सर, सर सर आज स्टोरी बहुत बहुत टाइम से क्या सर, सर, बहुत टाइम हो गया सर स्टोरी नहीं आज सर। दो हाँ घंटे ठीक का है, क्लास अरे भी हाँ ठीक है, स्टोरी सुन लेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ वो सुनो पहले, भाषणबाजी सुनोगे सर। फिजिक्स तो। में आज इतना दिमाग फटा सर हम लोग का। हाँ सर, अरे पहले एक आप मेरी पहले बात तो पूरी करने दे पहले, फिर बताना ना। तो आई वॉज सेइंग समथिंग, बुला दिया आप क्या, कि हाँ हर चीज को मसाला की तरह नहीं कर सकते, कभी कभार हमें टेक्निकलिटी चीज, जब जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में मुझे तो मोल कंसेप्ट या ये एटॉमिक बहुत बोरिंग लगते हैं, सेम तो सर। वो बट वो थ्योरेटिकल चीजें पढ़नी पड़ती है, जब बाद में एंटरटेनमेंट चीजें आएंगी उनके लिए, समझ में आ रही है बात? है हाँ सर, यस समझ सर, गए। यस यस सर। सर। जैसे अभी SNS आएगा तुम्हें ज्यादा एंटरटेनिंग लगेगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस चैप्टर्स, बट हाँ पढ़ना सर। पड़ा, बट पढ़ना पड़ा उसको। PNC आएगा तो यू विल लव इट, मेरे को खुद को बहुत पसंद है पढ़ाना PNC, कैलकुलस आई लव इट, है ना, कैलकुलस आई लव इट, कोऑर्डिनेट मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है बट करना पड़ता है, जो सिलेबस में ऐसा करना पड़ता है, पीएनसी फुल परम्यूटेशन एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन कि मैं कितनी तरफ से ध्रुवील को थप्पड़ मार सकता हूँ, आगे से पीछे से साइड से कितनी वेज है, समझ में आया? हाँ सर। सर आज का तुमने फिजिक्स क्लास सर कि बहुत तुमने कभी जैसे सोचा नहीं, एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी क्या है तुक्के मारने की, 1/4? यस सर, यस हाँ सर, सर, ट्वेंटी यस सर, 25% करेक्ट, हाँ हाँ सर, सर। यस सर, बट एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन में तुमने कभी सोचा नहीं होगा, नहीं सर, नहीं नहीं मैनुअली तो काउंट कर ही सकते हैं, ए कैन बी करेक्ट, बी कैन बी करेक्ट, सी कैन बी करेक्ट, डी कैन बी करेक्ट, देन ए बी, देन ए सी, देन ए डी, देन बी सी, देन बी डी, समझ में आ रहा है? सर, हाँ सर, अच्छा, बट PNC में मैं समझाऊंगा कि चार ऑप्शन है, सिंगल करेक्ट में तो क्या एक ऑप्शन दूसरे ऑप्शन को कंट्रोल कर रहा है, कि अगर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली सारे रॉन्ग हो जाएंगे, अगर सिंगल करेक्ट में। यस यस सर, सर, हाँ मल्टीपल करेक्ट में ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है तो भी वो बी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, हो भी सकता है नहीं भी सही हो सकता है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ यस सर, बी हो गया तो वो सी को कंट्रोल नहीं कर रहा है, हाँ है ना? यस सर, यस यस सर, तो यस हर ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट, कैन आई से हर ऑप्शन इज इंडिपेंडेंट? सर, यस यस सर, सर, तो ऑप्शन ए को मतलब आंसर की में
इन्वॉल्व होने के लिए कितनी वेज है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, एग्री करो, टू वेज। मतलब ऑप्शन ए कैन बी पार्ट ऑफ द आंसर, ऑप्शन ए कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द आंसर, सो देयर देयर आर ओनली टू वेज ना, करेक्ट ना? यस सर। ऑप्शन बी के लिए अगेन टू वेज, ऑप्शन बी के लिए अगेन टू वेज, ऑप्शन बी के लिए अगेन टू वेज, सो टोटल नंबर ऑफ वेज इज 2 × 2 × 2, करेक्ट यहां तक? यस सर। ए का बी के साथ भी हो सकता है, तो ए का ए नहीं भी हो सकता है, तो इन सब के हमने 2 × 2 × 2 कर लिए। बट इन 2 × 2 × 2 में हमारे पास एक आंसर की ऐसी आ गई है जिसमें चारों सही है, तो वो हो सकता है या नहीं हो सकता? बट हाँ हो सकता है बिल्कुल, बस आगे नहीं बोलना। बट इनमें इन 16 वे में एक वे ये भी है जब सारे पार्ट ऑफ द आंसर नहीं है एवरीवन। तुमने मैंने जो पूछा उतना बोलो, इन 16 में काउंट हुआ है या नहीं हुआ, ये क्रॉस 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 हुआ है, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि तुमने 2 × 2 × 2 × 2 किया है, एग्री करो? यस सर। यस सर। बट क्या ये फाइनल आंसर की ऐसे हो सकती है कि कोई भी आंसर नहीं? नो सर। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 15 × 2। तो एक मल्टीपल सिंगल करेक्ट को चार वे से आंसर कर सकते हो, बट मल्टीपल करेक्ट को कितनी वे से कर सकते हो? 15। मल्टीपल करेक्ट पर तुक्के मारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/5। समझ में आया? 6.something%। यस सर। तो सिंगल करेक्ट 25% चांस है, बट मल्टीपल करेक्ट में 6% के आसपास चांस है तुम्हारा तुक्के मारने। समझ में आता है? 6.67 सर। यस सर। यस सर। तो ये क्या पढ़ाया मैंने? टीएनसी। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? Yes, sir. कुछ बच्चों को तो ये डाउट आना चाहिए सर, मल्टीप्लाई क्यों किया, प्लस क्यों नहीं किया, मतलब ये सब पीएनसी में पढ़ेंगे। समझ में आया? हाँ सर। तो ये पीएनसी है, आई लव दैट। प्रोबेबिलिटी आल्सो जो बताया तुम्हें, प्रोबेबिलिटी सब दोनों चैप्टर है अपने सिलेबस में। चलो और फिजिक्स में क्या हुआ, क्या बोल रहे थे सर? सर पता नहीं सर, एक्सेलरेशन कहाँ से निकाल रहे थे मैं भी जब पढ़ता था इंक्लाइंड प्लेन, ये वो दिमाग खराब होता था, फिजिक्स पल्ले ही नहीं पढ़ती थी। और फैकल्टी भी थे सर, केमिस्ट्री में मजा आया लेकिन बहुत। केमिस्ट्री में अब क्या चल रहा है? पीरियोडिक बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। ओके ओके, बॉन्डिंग। सब पहले पीरियोडिक भी गंदा लगा लेकिन अभी तक तो वो हमारा बेस्ट चैप्टर है उसका। अब यूं होता है कि जैसे नहीं होता कि क्या मैं कहावत है गलत बोल दूंगा, बट हर खराब चीज में से कुछ ढूंढ निकालना, तो केमिस्ट्री तो मेरे को भी खराब ही लगती है, तो से क्या निकालो, ठीक है ना? ऑर्गेनिक, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे को तो बहुत पसंद आती थी, यू विल आल्सो लव इट, क्योंकि उसमें मतलब दिमाग लगता है थोड़ा अच्छा। ये सब तो आपके फिजिकल केमिस्ट्री तो अलग ही चीज है। एनीवे 5×(x=3) चलो चालू करें हम एवरीवन। यस सर। तो ये सब होमवर्क क्वेश्चंस थे, आई होप तुम अटेम्प्ट करके आए हो। यही थे ना तीनों? दो और थे सर, तीन सर। और क्या थे सर? log 10 टू द हां ये थे सर। हां सर। ओके सब सही है? सो मैंने बस बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया था, जैसे log 10 6 है उसको 2 और 3 में तुम्हें लाना है, तो कोई भी बच्चा ले आएगा 2 × 3 और फिर प्रोडक्ट रूल, करेक्ट एवरीवन? यस सर। 0.log 2 + log 10 3, सो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी है? 1। 1। बी की वैल्यू कितनी है? 1। 1। सी की वैल्यू कितनी है? 0। हां तो डोंट बी एडमेंट इनफ कि एबीसी क्या है, मेरे को वो मतलब नहीं है, तुम्हें ही पता है, एग्जांपल है, बस प्रॉपर्टी का यूसेज कराना चाहता हूं, करेक्ट ना? यस सर। यस सर। इफ है तो इसको क्या लिख सकता हूं? 10/2। 10/2। अब क्वेश्चन रूल लगा दिया, log 10 10 माइनस log 10 2। log 10 10 की वैल्यू एवरीवन? 1। 1। सो आंसर हो गया माइनस log 10 2 प्लस 1, तो ए की वैल्यू यहां पे माइनस 1 है, बी की वैल्यू यहां पे 0 है, करेक्ट बच्चों? Yes, e की वैल्यू क्या है? One. One. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर।
नाउ 5 की पावर x = 3 x निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे बेसिक डेफिनेशन करेक्ट और नॉट एवरीवन बेसिक डेफिनेशन बेस रेज टू पावर लॉग वैल्यू इज इक्वल टू नंबर सो लॉग वैल्यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ द नंबर टू द गिवन बेस करेक्ट एवरीवन यस सर मैं एक और मेथड इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं क्योंकि वो हम धीरे धीरे क्वेश्चन में यूज करेंगे तुम खुद बताओ अगर a इक्वल टू b है तो मैं अगर दोनों तरफ लॉग लूं विद द सेम बेस तो वो भी इक्वली होगा ना एवरीवन हां सो फंक्शन है जैसे अगर दो थीटा दे रखे हैं 60 इक्वल टू 60 तो दोनों तरफ साइन लोगे तो भी इक्वली होगा ना वैसे हां सर यस सर अब बहुत बार दोनों तरफ इक्वेशन में अगर सुनना ध्यान से फंडे की तरह लिख लेना बाद में कि अगर वेरिएबल पावर में है क्या बोला मैंने अगर वेरिएबल पावर में पावर में तो उसको नीचे उतारने के लिए उसको सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं क्या लेते हैं लॉग तो लॉग का क्या बेस लेंगे वो तुम खुद बता देना अभी बट क्या ये सबको अंडरस्टूड है यहाँ तक यस यस तो फायदा क्या होगा एक्स नीचे उतर आ जाएगा एक्स लॉग 5 इक्वल्स टू लॉग 3 करेक्ट एवरीवन यस यस तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू हो जाएगी लॉग 3 बाय लॉग 5 करेक्ट Yes, sir. तो अगर तुमने बेस 10 लिया तो ये बेस 10 में आंसर हो जाएगा ये आंसर ऐसा आ गया है जो एक्चुअली यही है विद द बेस चेंजिंग फॉर्मूला जो आज कराऊंगा बट यहाँ तक क्लियर है yes, sir. लेट से कोई बच्चा बोल रहा है सर मुझे बेस चेंजिंग नहीं आता और सर ये 10 मत लो तो मैं बोलूंगा 10 की जगह उसको क्या लेना चाहिए 5 लेना चाहिए 5 का बेस क्यों क्योंकि ये 5-5 हट जाएगा ना एक तरीके से देखो जल्दी से ये log 5-5 हो गया कितनी वैल्यू होती है log 5-5 की 1 x का आंसर log 3-5 आ गया देखो सेम आंसर आ गया इज इट क्लियर यस यस सो मैंने ये थर्ड क्वेश्चन से बस एक ही चीज सिखाई कि दोनों तरफ log लेना आप चालू करो समझ में आ गया दोनों तरफ लॉग लेना इज एक्चुअली सेम एज बेसिक डेफिनेशन को यूज करना बताओ क्लियर है मतलब बेसिक डेफिनेशन कर रहे हो दैट इज सेम एज एक्चुअली अब से दोनों तरफ लॉग लो बिल्कुल ओके यस सर ये कॉपी कर लेना अभी क्या अभी कर लो पहले ये वाला पार्ट मेथड 2 दोनों तरफ लॉग लेना Let me know जब हो जाए हो गया एक सेकंड यस सर एक मिनट सर यस सर ओके 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 अब ये फोर्थ क्वेश्चन तो कुछ नहीं है यार यूं ही दे दिया मैंने लॉग क्या हो जाएगा ये हाफ अंडर रूट को रेस्ट पर हाफ कर दूंगा करेक्ट एवरीवन यस सर तुम उठा के नीचे पटक दो या पहले इंडिविजुअल पावर्स में ले आओ जो तुम्हारी इच्छा है 3 की पावर 2 * 1 / 2 3 की पावर 1 5 की पावर 4 * 1 / 2 5 की पावर 2 2 की पावर 1 / 2 पहले से है तो 2 की पावर 1 / 4 हो गया अब सब में प्रोडक्ट रूल क्वेशेंट रूल यूज करके हो जाएगा ओके यस सर फिफ्थ क्वेश्चन रूल सुन लो पहले मैं जो पूछ रहा हूँ क्या ये पावर आगे आ सकती है या नहीं yes. सर आ सकती है बिल्कुल बिल्कुल आ सकती है क्योंकि नंबर पे पावर है लॉग पे पावर नहीं है एग्री करो yes, sir. Yes, sir. क्या है ताकि थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे लॉग 2 लॉग 3 की पावर 4 3 नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्योंकि 81 को लिखूंगा 3 की पावर 4 करेक्ट एवरीवन तो 4 log of 3 to the base 3 into log 2 ये 4 आगे आके क्या हो जाएगा 4 यहाँ के 1/4 log 3 3 so log 3 3 की वैल्यू हर जगह 1 रखी log 2 1/4 हो जाएगा जिस पर 2 की पावर -2 किया करेक्ट एवरीवन -2 आगे आ गया 4 into -2 into log 2 2 so final answer is -8 कोई प्रॉब्लम किसी को नो सर
ये कॉपी बाद में करना. कैन आई मूव फॉरवर्ड नाउ? यस सर. होमवर्क क्वेश्चन हम कॉपी बाद में करते हैं, सिर्फ समझते हैं क्लास में. चलो, कितनी प्रॉपर्टीज कराई थी? प्रॉपर्टीज कंटिन्यूड, दो तीन प्रॉपर्टी और बाकी है. नाइन प्रॉपर्टी यहाँ पे देखो. इसका नाम क्या देंगे? फ्लैगशिप में भी नाम कुछ बच्चों ने दिया था, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का कुछ नाम नहीं है. बट अगर नाम नहीं रखे ना तो फिर बाद में यूं बहुत बोलना पड़ता है. याद है तुम्हें वो वाली प्रॉपर्टी? तो कौन सा प्रॉपर्टी है वो पहले बता. अभी तो प्रॉपर्टी इज दिस कि a log n टू द सेम बेस है. मतलब यहाँ पे बेस और लॉग का बेस अगर सेम है तो क्या आंसर होता है, देखना मेरे साथ. प्रूफ कर रहे हैं. एंड प्रूफ इतना ऑकवर्ड है कि चालू करने से पहले तो खत्म हो जाता है. देखे कैसे बताओ. मैंने कोई भी प्रॉपर्टी का क्या बोला था? लॉग को एज्यूम कर लो, याद है? यस सर. यस सर. फिर क्या बोला था, किसमें कन्वर्ट करो? बेसिक डेफिनेशन में. एक्सपोनेंशियल फंक्शन. वेरी गुड कृति. ए रेज टू पावर वाई इक्वल टू एन हो गया, याद है? यस सर. और वाई कौन है? वाई किसको एज्यूम किया मैंने? लॉग लॉग ए. हो गया प्रूफ. हम देखो ये प्रॉपर्टी सर. सही. कम ऑन यही तो चाहिए. देखो ये जो क्या लिखा है मैंने, देखा yes, sir. Yes, sir. ये जो मैंने लिखा है, क्या ये वही चीज है क्या यहाँ पे? यस सर. यस सर. क्या प्रॉपर्टी है कि अगर बेस सेम है और लॉग का बेस सेम है तो आंसर क्या हो जाता है? बस एन नंबर. बताओ यही है प्रॉपर्टी. पहले तो कंफर्टेबल हो जाओ. हाँ सर. कंफर्टेबल हो जाओ. हाँ वो प्रूफ ऑकवर्ड था, मैंने पहले ही बोला था. ए की पार वाई एन है और वाई किसको माना मैंने? वापस रख दिया बस, नथिंग एल्स. हाँ है ना? यस सर. यस सर. कुछ एग्जांपल से कंफर्टेबल होते हैं. टू लॉग टू फाइव, क्या आंसर है इसका? फाइव. थ्री लॉग नाइन फाइव, क्या आंसर फाइव हो गया? नहीं सर. नहीं नहीं सर. प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई. फाइव नाला है क्या भाई? थ्री स्क्वायर फाइव हो जाएगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर. ये टू आगे आगे क्या हो जाएगा? वन बाय टू हो जाएगा. अब मुझे ये प्रॉपर्टी तो दिख रही है कि प्रॉपर्टी को लगाना चाहिए, तो इस हाफ को हटाना चाहिए ना. हाफ को कैसे हटाऊंगा एवरीवन? स्क्वायर रूट ऑफ कम ऑन. फाइव के ऊपर चले जाएगा. एग्री करो? कम ऑन. यस सर. और अब ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? यस सर. आंसर हो जाएगा कितना? रूट रूट फाइव. वन माई प्रॉपर्टी. यस सर. तो ये प्रॉपर्टी ऑकवर्ड है. और फिर क्या, एक साल बाद कैलकुलस में वापस यूज आती रहती है. फिर उस समय बच्चों को याद कराना पड़ता है, तुम्हें याद है ना ये वाली प्रॉपर्टी? तब जाके कुछ नालायकों का आधा अधूरा याद आता है. तो इसका कुछ फैंसी नाम देना है, कुछ अच्छा दो, नहीं तो फ्लैगशिप में जो लिखा था वही लिखूंगा. बोलो सर. लॉग पावर फॉर्मूला. ना अच्छा नहीं, कुछ अच्छा फैंसी नाम दो. जैसे कि वहां पे क्या नाम दिया था फ्लैगशिप वालों ने, बता रहा हूँ, क्यूटी प्रॉपर्टी. ये क्या? बस ऐसे ही क्यूटी. क्यों? ये बिल्कुल क्यूट तरीके से सॉल्व हो गया, बस इस तरीके. सर काट. सर वैसे नाम मत रखना. ये भी नाम अच्छा है. प्रॉपर्टी ये नाम ज्यादा अच्छा लगा मुझे. ऑकवर्ड प्रॉपर्टी. हां सर. ऑकवर्ड प्रॉपर्टी. चलो कॉपी करो यहां पे. हां कॉपी करो यहां पे. ऑकवर्ड प्रॉपर्टी. लॉगिस्टिक प्रॉपर्टी. वो छोड़ यार, इतना नाम नहीं रखना ऐसा. सारे एग्जाम्पल कॉपी मत करो, एक एग्जाम्पल कॉपी करो बस. और उसके बाद ये निकाल लो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी काफी. इसकी वैल्यू निकालो.
सर वो 9 है ना सर? 9 ओके सर। ओके हो जाना चाहिए था अब तक। B C here if you haven't done 9:27 दिख गया कि 3 में करना चाहिए awkward property के लिए। log 3 cube 4 cube so can I say ये 3 से ये 3 चले जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हर बच्चे को क्लियर है कैसे जा रहा है ये 3 से 3? यस यस सर। तो 3 log 2 3 4 फिर 2 को ऊपर पहुंचा देता हूं तो क्या आंसर आ गया? 4 square 16। किसी को डाउट? नो सर। गुड। ऑकवर्ड प्रॉपर्टी डन। दो प्रॉपर्टीज और, 10th प्रॉपर्टी एक्सचेंज प्रॉपर्टी। देखो सब अब ये कोई नाम नहीं है, बुक पे नाम नहीं मिलेंगे, समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये तो बस मैं ही ऐसे नाम दे देता हूं, एक्सचेंज प्रॉपर्टी। तो एक्सचेंज प्रॉपर्टी क्या है? 2 log 3 4 2 log 3 let's say 5 देखना ध्यान से, इज सेम एज 5 log 3 2। कौन एक्सचेंज हुए हैं? नंबर्स और बेस। नंबर्स और बेस। Can I say 2 or 5 दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। यस सर। वो एक्सचेंज हुए हैं। तो इसका प्रूफ क्या है? बहुत इजी है, देखो। लेट्स से लेफ्ट साइड इज 2 log 3 5। तो दोनों तरफ लॉग ले रहा हूँ, तो द बेस ऑफ 2, बेस ऑफ 3 चलेगा? हाँ सर। तो लॉग लेफ्ट साइड ऑफ 3 इज लॉग 2, सॉरी लॉग 2 log of 5 to the base 3 और power base क्या है? 3 लिया मैंने दोनों तरफ। come on। yes sir। yes sir। हाँ है ना? हाँ sir। yes yes sir। okay but अब ये पूरा power है तो ये आगे आ सकता है, correct everyone? yes sir। yes sir। log 3 left side is equals to log of 5 to the base 3 into log of 2 to the base 3 everyone? yes sir। हाँ है ना? yes sir। yes sir। अब मैं इस वाले term को बाद में लिखूंगा तो भी तुम बुरा तो नहीं मानोगे, वो तो मल्टीप्लिकेशन ही है ना? यस सर। यस सर। और अब क्या करूंगा, इस पूरे को पावर बना के ऊपर पटक सकता हूं? हां सर। हां सर। log 3 लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू log 3 5 की पावर क्या हो जाएगी? log 2 टू द बेस 3। और अब दोनों log इक्वल है तो फिर उनके नंबर्स भी इक्वल होने चाहिए, एग्री करो? यस सर। यस सर। और लेफ्ट साइड शुड बी इक्वल टू 5 log 2 to the base 3 and what is this, is it same as right side? Yes sir. Yes sir. Yes sir. And clear property? Yes sir. Yes sir. Yes sir. The yes, so, proof copy karne ki zarurat nahi, but if you wish 10 seconds hai copy karo whatever jo bhi karna hai.
थर्ड है. डन सर. आई होप हो गया. यस सर. यस सर. ओके लास्ट प्रॉपर्टी 11th बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. ओके देखो इधर बहुत बार क्या होता है कि बेस कुछ रैंडम दे रखा है, ए दे रखा है, फाइव दे रखा है, थ्री दे रखा है, और हमें बेस कंफर्टेबल होता है या तो ई में या फिर टेन में. करेक्ट. तो यस यू हैव दैट प्रॉपर्टी कि बेस चेंज करना है किसी में भी. लेट से टेन में करना है तो लॉग टेन न्यूमरेटर में लिखो, लॉग टू द बेस टेन डिनोमिनेटर में लिखो, फिर ओरिजिनल नंबर ऊपर आएगा और ओरिजिनल बेस नीचे आ जाएगा. मतलब इसका प्रूफ तो कर ही लेंगे. प्रैक्टिस कराओ मेरी. लॉग फाइव टू द बेस थ्री को अगर मुझे लॉग टू द बेस टेन में करना है, टेन में, तो क्या आंसर आ जाएगा? लॉग बेस थ्री. अगर मुझे ln में करना है तो ln फाइव बाय ln थ्री. कम ऑन. यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल. अब इसका प्रूफ क्या है? बहुत सिंपल है. कॉपी करो पहले, फिर प्रूफ तुमसे पूछता हूँ. एग्जाम्पल लिख लो. हो गया सबका? यस सर. यस सर. सर तनिषा. सर ये log 10 5 को आपने फिर ln 5 क्यों लिखा है? अरे उसको ln 5 नहीं लिखा है, मैंने बोला कि इसको मैं ln में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ. तो अगर अच्छा, ln में कन्वर्ट करूँ तो इसका बेस क्या है? e होता है, तो ln लिख सकता हूँ ना उसको. यस सर. तो अब बता, इसको ये भी लिख सकती है, इसको ये भी लिख सकती है, तो ये दोनों भी इक्वल है या नहीं है? Yes. बिल्कुल है. हाँ है ना एवरीवन? मैंने इसको ये नहीं लिखा, बट मैं बेस चेंज कर सकता हूँ. जैसे दोनों जगह से 10 हटा दिया और मैंने बेस कुछ और लिख दिया, तो बिल्कुल सही है. log 10 like let's say 17, क्या ये इसके बराबर ही है क्या एवरीवन? Yes sir. Yes. क्या ये और ये बराबर है? क्या ये और ये बराबर है? हाँ है ना एवरीवन? हाँ. बेस करना कर दो यार 77. बिल्कुल क्लियर. Yes, yes. यही बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी. इसका प्रूफ क्या है? बस वही लॉग को एज्यूम कर लो, देन कन्वर्ट देम टू एक्सपोनेंट. हाँ है ना बच्चों? और अब मुझे बेस लॉग 10 को इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा, बट बेस कौन सा लूंगा उसका? लॉग 10. 10 लूंगा. करेक्ट ना एवरीवन? वाई का क्या करूं? आगे ले आऊं? यस सर. तो y log of a to the base 10 is equals to, sorry यहाँ पे n है, log of n to the base 10. अब क्या करूँ? इस वाले टर्म को राइट साइड में ले जाऊँ? हाँ. y is equals to log of n to the base 10 divided by log of a to the base 10, and who was y? log of a to the base 10. बताओ प्रूव हो गया क्या? yes sir. प्रूव कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बार बार वही प्रूव कर रहे हैं. बट क्या है, अब क्लियर है कि बेस चेंज किसी में भी कर सकते हो. अब मैं बेस किस में चेंज करना पसंद करता हूँ, तुम बताओ? 10 और ई में. बट मैं उससे भी ज्यादा सब मतलब इन दोनों में भी प्रेफर करता हूँ ई में, क्योंकि बहुत फास्ट लिखा जाता है एग्रीकल. यस सर. एलएन 5 बाय एलएन 3. बस ये तो मेरा कन्वीनियंस है, तुम्हें नहीं है सर? मुझे तो 0.3 बेस ही पसंद है, तो करो तुम कार्टून बंद. ठीक है.
यस सर यस सर कोई डाउट यहां तक सर मैं अभी सिखाता हूं बट प्रॉपर्टी तो क्लियर है ना जिस पे भी बेस चेंज करना है वो कर दो नंबर ऊपर आएगा बेस नीचे आएगा बस क्लियर यस सर देखो एक मस्ट प्रॉपर्टी क्या है कि log 5 3 का मतलब इसी की प्रॉपर्टी है और log 3 5 का आपस में रिलेशन होता है कौन गेस करेगा क्या रिलेशन सर आर्यमान इनवर्स सर खुशी हां खुशी बोले नचिकेत रेसिप्रोकल वेरी गुड दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर सबको दिखना चाहिए कम ऑन यस सर सबका 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 एक कॉमन बेस पे चेंज कर दो ये ln 5 / ln 3 है हां या ना यस सर ln 3 / ln 5 है हां या ना यस सर देखिए क्या है रेसिप्रोकल्स करेक्ट और नॉट और कितने तरीके से बता सकता हूं देखो अच्छा ये log 3 में है और ये log 5 में है तो मैं इसको log 5 में कन्वर्ट कर देता हूं कर सकता हूं ना log 5 में भी एवरीवन यस सर ओके नंबर कहां आता है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में ऊपर न्यूमरेटर बेस बेस कहां आता है डिनोमिनेटर में की वैल्यू 1 प्रूव हो गया कि दिस एंड दिस आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर देखो यस सर तो इसको मैं बोलता हूं मॉडिफाइड बेस चेंजिंग क्या बोलता हूं मॉडिफाइड बेस ऑफ चेंज मॉडिफाइड बेस चेंजिंग मतलब कैन आई से log ba इज सेम एज 1 अपॉन log ab एवरीवन यस सर बताओ सबको क्लियर है यस सर इसका एक एग्जांपल देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 2 टू द बेस x इज 10 / 3 जो इतना मैं पूछूं उतना ही जवाब देंगे यस सर यस ओके तो मुझे इच्छा हो रही है कि t रखने की तो अगर मैंने इसको t रख दिया तो दूसरा टर्म कौन है अभी बार 1 / t तो ये बेटर वे है ना सॉल्व करने का आराम से क्वाड्रेटिक आ गई यस सर t स्क्वायर प्लस 1 / 2 इज 10 / 3 क्रॉस मल्टीप्लाइड 3t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0 सो 3 * t माइनस 3 माइनus 1 3t minus 1 into t minus 3 equal to 0. So t equal to 3 or t equal to 1. Who is t now? Sir, 1 by 3. Log 1 by 3 or 3. So this is either 1 by 3 or log of x to the base 2 is 3. Correct, bacho? Yes, sir. Yes, sir. Ab isse x ka answer nikalna hai, toh main kya use karunga ab? Anybody? Basic definition. Basic definition. याद है सबको basic definition? Yes sir. Yes, sir. Raise to power क्या होता है? Number. Raise to power क्या होता है? Log value. Number. ये by heart याद कर लो यार. इतना तो याद कर सकते हो ना? Yes sir. तो इस equation में convert करो base raise to power क्या लिखूँ? 3. To what? X. बिल्कुल क्लियर यहां तक यस सर यहां पे भी कर दो बेस रेस टू पावर 1 बाय 2 इक्वल टू x बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन यस सर कॉपी करो प्रॉपर्टी पिछला पेज तो हो गया था ना कॉपी थोड़ा यस सर हां सर हां प्रूफ लिखना नहीं है और नीचे वाला पार्ट नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है ये तो और ये तो हो ही गए थे राइट यस सर बस उसके बाद सीधा मॉडिफाइड बेस चेंजिंग लिखो
कोई डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ. यस सर. Any doubt, anybody? No. Continue copying fast. Done, sir. अब कोई बच्चा कॉपी कर रहा है स्लो है तो उसको क्या 3-4 स्टेप एक्स्ट्रा कॉपी करने चाहिए क्या? No, क्या इसके बाद डायरेक्टली तुम ये लिखोगे तो क्या पाप हो जाएगा क्या? नो सर. नो सर. ऐसे थोड़ा सा टाइम खुद जज करोगे तुम थोड़ा स्लो कॉपी करते हो तो डू दिस ये तो करना ही पड़ेगा फिर इतना. अब जा सकता हूँ नेक्स्ट पेज. यस सर. करो ये क्वेश्चंस. फर्स्ट वाला हो गया सबका. कंटिन्यू फर्स्ट का तो मैं आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि आई होप सबका आ गया. लाउड वॉइस में चिल्लाओ. बिल्कुल सही है. डाउट होगा तो मैं कर लूंगा बट कीप ऑन ट्राइंग एंड कीप ऑन प्रोसीडिंग आगे. सर वो टूल सर क्या सर आप वो तो क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा. हाँ सर थर्ड क्वेश्चन. सो
ओके फर्स्ट किसी को डाउट है तो मैं करूं उसके लिए एनीबॉडी यस सर कभी तो एक बैच में होना चाहिए इतना लल्लू क्वेश्चन को भी डाउट नहीं है बट है नहीं डाउट तो होगा चल देख इधर 1/log 4 7 और ऐसे कोई स्ट्राइक नहीं हो रहा बट 7 7 सेम दिख रहा है तो हम इस पूरे में बेस चेंज कर देते हैं मॉडिफाइड क्या हो जाएगा ये log 7 4 आया ना बच्चे यस सर अब मुझे दिख गई कौन सी ऑकवर्ड प्रॉपर्टी कम ऑन Yes, बस मुझे इसको क्या 7 बनाना है बट अभी है ये रूट 7 इसको 7 बनाने के लिए क्या लिखा 7 की पावर हाफ इनटू लॉग 7 4 हाफ को 4 के साथ भेजा 4 की पावर हाफ अब ऑकवर्ड प्रॉपर्टी लगा दी तो आंसर क्या आ गया 2 तो ये 1 अपॉन होता है ना तो इसमें मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज लगाते रहे आकर जैसे यहाँ पे भी लगा सकते हो तुम बट तुम्हारी इच्छा कैसे लगा रहे करो सेकेंड प्रॉपर्टी जैसे मैं तुम्हारी जगह होता है log 2 9 log 2 9 बार बार दिख रहा है तो इसको ये बोल देता करो सेकंड जल्दी से सर आंसर भेज दिया हाँ करेक्ट है राधा गौरव का ध्रुव का शिवांश का निश्चित का थर्ड का भी सही है गोपाल दिव्यांश करेक्ट करेक्ट वंश नचिकेत कार्तिक सर थर्ड का भी भेजा थर्ड का सही गोपाल ओके तो सेकंड का आंसर है 4 करेक्ट अश्मि करेक्ट परीक्षा करेक्ट मैका गुड 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 करेक्ट कृतिका सेकंड का 4 करेक्ट रोहन प्रीति करेक्ट सेकेंड का आफ्टर 30 सेकेंड्स आर लास्ट तब तक कंटिन्यू ट्राइंग चलो सेकंड किसी को डाउट है नहीं सर नो सर लास्ट टाइम यस सर ओके देख इधर फिर लड़की तो लॉग टू नाइन को मैंने ए लिख दिया तो ये क्या दिख रहा है मुझे ए स्क्वायर इनटू 1/log 2 ऑफ ए ये दिख रहा है लड़की यस सर अब बता क्या करना चाहिए फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सीखी है तू एनीथिंग कम ऑन यहाँ पे 7 7 था इसलिए मैंने यहाँ पे मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज लगा के इसको लॉग 7 कर दिया था कुछ स्ट्राइक हुआ लड़की रेसिप्रोकल वेरी गुड इसको रेसिप्रोकल लिखो दैट इज मॉडिफाइड न्यूटन लेबनीज तो ये क्या हो जाएगा लॉग बेस ए हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा करेक्ट यस ओके ये 2 कहाँ चला गया स्क्वायर पे चला गया करेक्ट एवरीवन और अब ऑकवर्ड प्रॉपर्टी 2 square 4 आंसर हो गए सही है चलो कंटिन्यू गुड थर्ड का बिल्कुल सही है ध्रुव वरुण श्लोक नचिकेत एक्सेलेंट रोविल आर्यमान सब सही है रेक्षा लॉक की प्रैक्टिस शीट भेजूंगा सुपर कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा डोंट वरी बस करते जाओ जल्दी से थर्ड का आंसर और दिख दो बच्चे बताओ फिर आंसर लिखूंगा मैं लोग सामने फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दे पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन शिवांश करेक्ट कैरव करेक्ट आदित्य करेक्ट चलो गुड थर्ड का आंसर है 10 प्रथम करेक्ट
चलो थर्ड क्वेश्चन किसी को डिस्कस करना है? सर गौरव. हाँ सर. यस सर. ओके सुनो फिर थर्ड क्वेश्चन. ओके मैंने दोनों तरफ थोड़ा सा देखा. 25 को तो मैं 5 स्क्वायर कर सकता हूँ करेक्ट ना? यस सर. यस सर. यस सर. और मेरे को दिख गया कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूसेज दिखना चाहिए. कम ऑन एनीबॉडी. एक्सचेंज प्रॉपर्टी. एक्सचेंज प्रॉपर्टी. एक्सचेंज प्रॉपर्टी. एक्सचेंज प्रॉपर्टी के साथ क्या हो जाएगा? दिस इज 5 की पावर 2 log 10x equals to 5 plus 4 into इस पूरे को क्या लिख सकता हूं मैं? 5 log 10x. करेक्ट एवरीवन? यस सर. यस सर. अगर अब इसको t बोलूं तो ये वाला टर्म क्या हो गया एवरीवन? t square. हाँ या ना? यस सर. इज इक्वल टू 5 प्लस 40. t square minus 40 minus 5 equal to 0. t minus 5 into t plus 1 equal to 0. So t is either 5 or t is either minus 1. t कौन है? Exponent. Sir, 5 to the power log. 5 log 10x equals to 5 की power 1. और एक्सपोनेंट, कैन एक्सपोनेंट बी नेगेटिव? नो सर. अच्छा, माइनस वन वाला, माइनस वन वाला पार्ट एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड? रिजेक्टेड. और यहां से क्या आ जाएगा? लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज अ बेसिक डेफिनेशन. याद आ गया ना? यस सर. यस सर. बेस रेज टू पावर लॉग वैल्यू इज इक्वल टू नंबर. क्लियर? यस सर. थैंक यू सर. फोर्थ करो जल्दी से. अब इनका हो जाएगा फिर फोर्थ भेजा है सर. फोर्थ का भी भेजा. चुप. जिनका हो गया वो वापस लिखो. जिसका मैं हाँ करूँ वही एक्स्ट्रा करोगे. ध्रुव हाफ आंसर. ध्रुव हाफ आंसर. वरुण बिल्कुल करेक्ट आंसर. दिव्यांश बिल्कुल करेक्ट. कैरव हाफ. हुसैन हाफ. पूरा आंसर नहीं है. निशित करेक्ट. दिव्यांश करेक्ट. ध्रुव एक गलत हो गया है. शिवांश जीवांश करेक्ट आंसर. साहिल हाफ. और जिनके हाफ श्लोक करेक्ट. और बहुत सारे के फटाफट निकल गए. नचिकेत करेक्ट. आर्यमन करेक्ट. गोपाल करेक्ट. शिवांश करेक्ट. कैरव करेक्ट. श्लोक रॉन्ग. राधा हाफ आंसर. प्रेक्षा हाफ आंसर. फोर्थ का आंसर है बच्चों 23 और माइनस 9/5. जो बच्चे नहीं लाए जल्दी से 1 मिनट और दे रहा हूँ करो. जिनका हो गया और करेक्ट है वो एक्स्ट्रा 1 करो. चलो फोर्थ डिस्कस करें एवरीवन. ओके 30 सेकंड. ओके ओके कर लो आराम से और टाइम ले लो.
अरे हाँ सर यस हाँ सर चलो इस वाले क्वेश्चन में तो यार ये सिंपल बेस चेंजिंग का क्वेश्चन है यार इन सब से हो जाना चाहिए कि अगर इसको टी बोलूं तो ये कौन है इसी के लिए करना है मुझे आगे या हो गया सबका तो बताओ हो गया सर हो गया सर एनी डाउट एनीबॉडी बिफोर आई गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चंस नो सर नो सर सर चलो नेक्स्ट सर बोल नाम बोल बच्चे सर धैर्य सर टी को सॉल्व करके सर देखो टी इक्वल्स टू माइनस वन एंड वन बाय टू आ रहा है सर तो उसको कैसे चुप रहो चुप रहो कितना है बच्चों टी की वैल्यू माइनस टू और माइनस वन कितना है वन बाय वन अपॉन टू एंड माइनस वन सर हाफ एंड माइनस वन टू पी स्क्वायर पता नहीं इतना अनक्लियर आवाज में बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है तो हाफ और माइनस वन आ रहा है बिल्कुल सही अब इसकी वैल्यू डाल बस अब तो अभी करा ना हमने डिस्कस कैसे डालते हैं बेस चेंजिंग फॉर्मूला log x plus 2 5 is equals to half आए ना बच्चे हाँ सर अब उसके बाद बेसिक डेफिनेशन क्या होती है बेस रेज टू पावर log वैल्यू इज इक्वल टू नंबर याद कर अब स्क्वायर कर दिया ऐसे ही दूसरे के लिए कर माइनस वन के लिए हाँ सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया ओके चल ऊपर वाला क्वेश्चन करो नो वरुण आंसर भेजो करेक्ट इसका आंसर गोपाल दिव्यांश नीचे वाला करें ये वाला चलो ऊपर वाला फटाफट कर देते हैं अब तक तो हो जाना चाहिए था हो गया सबका हो गया मेरे साथ ही देखो मेरे साथ ही देखो ए बी सी डी तो ये सब लॉग अलग अलग बेस में यार फिर कैंसिल कैसे होंगे ना मैं फील नहीं आएगी एग्री करो सर यस सर डिवाइड तो सबका अपन बेस चेंज कर देते हैं और बेस मैं किसमें प्रेफर करता हूं सर ई आर 10 बस 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 ln में मैं ये बोला है तो इसको मैं क्या लिखूंगा ln 12 by ln 24 is it okay everyone yes sir तो b की वैल्यू रख रहा हूँ क्या लिखूंगा बोलो फटाफट ln 24 by ln 36 ln 36 by ln 48 into ln 48 by ln 144 अब तबाई 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 तबाई
ln 12 upon ln 144 सबको दिख जाता है ln 12 square होता है yes sir. Yes, sir. What is the final answer? 1/2 कॉपी और सिक्स करो जल्दी से सर जो खुशी मिलता है जब सब कुछ ऐसे कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लिकेशन और फील भी आता है सही जा रहे हैं ना यस सर तो आंसर भेजो दिव्यांश एक्स्ट्रा टू का भी सही है मई का मिस्टेक विवान करेक्ट वरुण रॉन्ग रूबल करेक्ट डिस्कस करें क्या सर आप आंसर चेक कर सकते हो भेजो बोला ना बच्चे गोपाल करेक्ट बोला ना तुझे सिद्धार्थ करेक्ट माइका करेक्ट रूबल करेक्ट कह रहा हूँ करेक्ट सर क्वेश्चन आंसर दें दिव्यांश करेक्ट नचिकेत करेक्ट ध्रुव करेक्ट प्रणय करेक्ट ध्रुव की सिली मिस्टेक है जीवांश करेक्ट आगम करेक्ट ओके इनफ टाइम दिव्यांश करेक्ट एक्स्ट्रा टू ध्रुव करेक्ट श्रीनिधि करेक्ट इसका आंसर है -1 करना है डिस्कस यस सर यस सर ओके तो देखो ये है तो an की वैल्यू ये दे रखी है तो an की वैल्यू रेसिप्रोकल लूंगा तो ये आ जाएगी ना एवरीवन 2001 यस सर यस सर
ऐसा क्यों रखा, बेस सेम हो तो हर जगह बेटर ही है ना एवरीवन। यस सर। अब बी कौन है, ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव मतलब लॉग टू 2002, ए टू मतलब टू हो जाएगा, फिर ए थ्री मतलब क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा एंड सो ऑन। यस सर। ऑब्वियसली प्रोडक्ट में कर लूं। यस सर। तो फोर इंटू फाइव तो बी माइनस सी, अब डायरेक्टली कर रहा हूँ बच्चा ना, बी माइनस सी विल बी लॉग 2002 टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव और सी माइनस में डिवाइड में कर दू। समझाना पड़ेगा क्या? नहीं सर। लॉग 2002 10 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 तो अब क्वेश्चन रूल के कारण डिवाइड हो जाएंगे ना एवरीवन। हां सर। यस सर। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 अब इसको कैंसिलेशन करना तुम्हारा काम है, ये आ जाएगा 1 बाय 2002। सुन लिया? यस सर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस वन। माइनस वन। जल्दी कॉपी करो, आगे बढ़ना है। आई थिंक निशित करेक्ट है एक्स्ट्रा वन का, शायद है ना, आई एम नॉट कंफर्म एक्स्ट्रा वन। हाँ करेक्ट, सबका कॉपी हो गया? कोई डाउट? नो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे, हाँ डोमेन। अब थोड़ा प्रॉपर्टी से आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, अब डोमेन और इनइक्वालिटीज देखने का टाइम आ गया, समझ में आया? यस सर। तो अभी पहले डोमेन करेंगे, उसके बाद ग्राफ्स करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे और फिर लास्ट पार्ट इनइक्वालिटीज करेंगे। तो इनइक्वालिटीज तो नेक्स्ट क्लास में होगा, बट डोमेन और ग्राफ आज कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, डोमेन ऑफ लॉग, अब तुम सबको पता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या होती है, रिपीट करो कि अगर बाय द वे y इज लॉग ऑफ x टू द बेस a, तो ये कहां से आता है, एक्सपोनेंट से आता है ना एवरीवन। यस सर। क्या रिलेशन होता है वहां पे जल्दी से सर, a टू द पावर y इक्वल टू x टू द पावर y। करेक्ट और नॉट एवरीवन? यस सर। यस सर। तो अगर ये एक्सपोनेंट वाला फंक्शन होगा तभी लॉग एक फंक्शन होगा, करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। अब डोमेन मतलब मुझे x के बारे में कमेंट करना है एज वेल एज बेस के बारे में भी कमेंट करना है, सुन लिया सबने? यस सर। यस सर। हां सर। तो सबसे पहले बताओ ये जो नंबर है लॉग का x, वो एक्सपोनेंट के लिए x कौन है, उसका रेंज है, एग्री करो? यस सर। y की वैल्यू है। यस सर। x इज द आउटपुट ऑफ a की पावर y, ऑल ऑफ यू एग्री करो? यस सर। और हर एक्सपोनेंट की रेंज क्या होती है बताओ, ओपन 0 टू इनफिनिटी। यस सर। इसका मतलब x की रेंज क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, बताओ ये सबको क्लियर है? यस सर। मतलब लॉग नेगेटिव का डिफाइंड होता है या नॉट डिफाइंड होता है? डिफाइंड। यस लूं और लॉग नेगेटिव तो आंसर क्या लिखना चाहिए तुम्हें? नॉट डिफाइंड। व्हाइल लॉग बेस a और 2 होगा तो वो डिफाइंड हो सकता है, समझ में आ गया? यस सर। हमने डोमेन के लिए देख लिया कि लॉग का डोमेन ग्रेटर देन 0 होता है। नाउ बेस के बारे में, अब ये बेस कहां से, बेस की इंफॉर्मेशन कहां से पता लगेगी, यहां से, करेक्ट? यस सर। तो बताओ एक्सपोनेंट में मैंने क्या डिफाइन किया था, कि एक्सपोनेंट तभी डिफाइंड होते हैं फंक्शन के लिए जब बेस उसका क्या होना पड़ता है एवरीवन, ग्रेटर देन 0। याद करो अगर बेस नेगेटिव हो गया तो वो हमेशा डिफाइंड नहीं होता, वो तो एक दो वैल्यू के लिए डिफाइंड होता है, याद आया? तब लॉग का भी बेस तब डिफाइंड होता है जब बेस क्या होना चाहिए एवरीवन, पॉजिटिव। मतलब अगर लॉग का नंबर पॉजिटिव है तो वो डिफाइंड हो सकता है, बट बेस नेगेटिव हो गया तो वापस क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर यहां तक? यस सर। यस डिफाइंड होगा क्या, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3? यस सर। ये डिफाइंड। अब एक लास्ट कंडीशन बेस के बारे में एक और आती है कि बेस 1 नहीं हो सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं हो सकता, देखो इधर, अगर बेस 1 हो गया तो ऐसा कुछ होगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। हां या ना? यस यस यस। तो फिर हम इसको बेस चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ln x / ln 1 हो जाएगा, दिख रहा है? यस सर।
कहीं भी बेस चेंज करूंगा तो ऐसा ही होगा, जल्दी से एग्री करो। हां सर सर ln 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 और वो क्या हो जाएगा वापस? नॉट डिफाइंड। मतलब बेस कैन नॉट बी 1। तो मतलब डोमेन ऑफ लॉग में तीन पैरामीटर चेक करने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है एवरीवन? हां सर। एक एग्जांपल करते हैं जिससे पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट से लॉग का कोई भी क्वेश्चन होगा, सॉल्व करने से पहले उसका क्या चेक करोगे वापस? डोमेन। कुछ क्वेश्चन है, लेट्स से देख लो। बेस में भी एक्स है और नंबर में भी एक्स है, करेक्ट? यस। तो चलो अभी तो सिर्फ डोमेन निकाल रहे हैं, क्वेश्चन कुछ सॉल्व करने का जो भी होगा वो तब तो बात की बात है। समझ में आ रहा है? हम कुछ क्वेश्चन देख ही नहीं रहे, सिर्फ डोमेन पूछ रहा हूँ। डोमेन तो डोमेन के बारे में पहला कमेंट, नंबर कैसा होना चाहिए? तो अभी इसको एक्स की जगह भी चेंज कर देते हैं, लेट्स एक्स माइनस वन कर देते हैं। अब क्या आएगा? एक्स माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एक्स शुड बी ग्रेटर देन वन, करेक्ट? यहाँ तक नेक्स्ट हो गया डोमेन। या बेस के बारे में भी कुछ इंश्योर करना पड़ता है? बेस ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एक्स हैज टू बी लेस देन थ्री, करेक्ट एवरीवन? यस सर। टाइम बेस कैन नॉट बी वन, दैट मींस एक्स कैन नॉट बी टू। तीनों का यूनियन लोगे या इंटरसेक्शन लोगे? इंटरसेक्शन। इतना पढ़ने के बाद तो कभी डाउट ही नहीं आना चाहिए, तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए। हाँ है ना एवरीवन? यस सर। ऑब्वियसली क्या आ जाएगा एवरीवन? इंटरसेक्शन। What is the final domain of this question? X belongs to 1, 2, 3, except 3. Except 2. या फिर ऐसा भी वो सब तो तुम्हें पता ही है, लिख सकते हैं ऐसे ना? Yes sir. Yes sir. तो क्या domain वाला part समझ में आया सबको? Yes sir. Yes sir. Copy करो। हो गया सबका? यस सर। यस सर। कोई डाउट यहां तक? नो सर। तो लॉग का क्वेश्चन कुछ भी दूंगा, पहला स्टेप क्या रहेगा वापस?
डोमेन निकाल और ऐसा किसमें होता था और ऐसा किसमें होता था पहले कि पहला स्टेप डोमेन रूट रूट फंक्शन रूट बस बस मुझे बोलने दो अंडर रूट में एक्सपोनेंशियल और मॉड में नहीं होता था क्योंकि उनका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है करेक्ट यस यस चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो ग्राफ्स ऑफ लॉगरिथम्स या ग्राफ्स और लॉगरिथम नेक्स्ट क्लास में ही बता सकता हूं अभी तो इसका रोल है नहीं तुम्हारा डोमेन वोमेन के सिस्टम के लिए सर चलेगा अरे नेक्स्ट क्लास मतलब क्लास फिनिश नहीं कर रहा हूं ना लाइक क्वेश्चन दे सकता हूं डायरेक्टली आप सर बाकी सर्स ने भी हम लोग को छोड़ दिया सर डेट उन्हीं को बोलना उन्हीं को वापस बोलना नेक्स्ट क्लास में भी छोड़ दे सर एक स्टोरी सुना दो सर आपका मूड आज अच्छा है इसलिए सोचा सर आपको ओके चलो रुक तो जाओ एक बार चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो एवरीवन दिख रहा है ना सबको क्वेश्चन यस सर यस फर्स्ट स्टेप क्या होगा डोंट बी इन अ हरी डोमेन फर्स्ट स्टेप यस डोमेन फर्स्ट स्टेप इज डोमेन डोमेन निकालो फिर आगे बढ़ना सॉल्व ऑल करने के लिए डोमेन निकाल लिया सबने यस सर यस सर क्या है डोमेन एवरीवन x ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 3 सॉल्व करने के लिए दोनों जगह लॉग का बेस सेम बना दो ताकि इक्वेट कर पाओगे करेक्ट एवरीवन हां सर यस सर जल्दी से करो जल्दी से करो जल्दी से करो सर आंसर भेजो जस्ट अ सेकंड बच्चे सबका सही है गलत हो ही नहीं पा रहा किसी का x equals to 5 is the correct answer करेक्ट बच्चों yes sir, yes, sir. Yes, sir. लास्ट 10 सेकेंड्स कोई बच्चा अभी भी फाइट मार रहा है उसके लिए टाइम दिया है मैंने
चलो हाँ क्या नाम था इसका आदित्य प्रचंड आई थिंक करेक्ट है ध्रुविल आई थिंक उसका आंसर थ्री है चलो मेरे साथ देखना एवरीवन देखना बंद पहला क्वेश्चन इजी है बट तो भी माइंडसेट क्लियर होना चाहिए डोमेन इस वाले का डोमेन है एक्स ग्रेटर देन वन इस वाले का डोमेन है एक्स ग्रेटर देन थ्री और फाइनल डोमेन सबका क्या होता है इंटरसेक्शन वेरी गुड इंटरसेक्शन क्यों क्योंकि एवरीथिंग शुड बी सेटिस्फाइड दिस शुड बी डिफाइंड एंड दिस शुड बी डिफाइंड हाय ना यस सर सो हमेशा डोमेन क्या लोगे सबका इंटरसेक्शन तो दिस इज द फाइनल डोमेन किसी को डाउट यहां तक अब मैं लॉग को हटाना चाहता हूं सॉल्व करने के लिए तो दोनों साइड बेस सेम बनाऊंगा लॉग 2 स्क्वायर x माइनस 1 इज लॉग 2 x माइनस 3 तो इस पावर 2 को कहां आगे ले आऊं 1 बाय 2 कर दूं ओके अब सुनना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जब तक अब ये 1 बाय 2 को कहां भेजूं या तो x माइनस 1 के ऊपर या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं करेक्ट ना यस मेरा सजेशन है जब तक हो सके अंडर रूट मत बनाओ देखो तुम अंडर रूट बनाओगे फिर अंडर रूट के कारण प्रॉब्लम हो जाती है डोमेन ओमेन के अलग से और अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए भी स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ता है तुम्हें पता है स्क्वायर करने से पहले ध्यान रखनी पड़ती है वो सारी चीजें हाँ है ना तो जब बेटर है कि अंडर रूट अवॉइड कर सकता हूँ तो आई शुड अवॉइड इट ना बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट एवरीवन एक्स माइनस वन इधर ले आया और इधर ले जाके स्क्वायर कर दूंगा वो सब चलेगा करेक्ट ना स्क्वायर ऊपर जा रहा है तो मेरा सजेशन है जब तक अवॉइड कर सको करो इतना बड़ा कोई टिप नहीं है बट इफ यू कैन यू शुड प्लस 10 इक्वल टू 0 सॉल्व किया 2 और 5 आया बट इंटरसेक्शन विद एनीबॉडी डोमेन x ग्रेटर देन 3 वाला पार्ट ही एक्सेप्टेबल होगा इसलिए आंसर क्या है हमारा 5 इक्वल टू 5 तो वापस डोमेन पहला स्टेप करना क्यों जरूरी है क्योंकि हम कभी कभी सॉल्व करके इतना खुश हो जाते हैं कि उसके बाद सॉर्ट डोमेन निकालना भूल जाते हैं समझ में आ रहा है हाँ सर तो इसलिए पहले सॉल्व पहले डोमेन निकालो फिर सॉल्व करो 5 सेकंड्स टू कॉपी ओके आई होप हो गया चलो दो क्वेश्चन और करो सर सेकंड वन का आंसर चैट में भेजा ठीक है बच्चे तुम्हें सब खुद को पता होगा कि ये सब आंसर कौन से सही जैसे बस पहला का आंसर प्लस माइनस 5 नहीं है अगर कोई लिख रहा है किसी ने अगर प्लस माइनस 5 दिया मतलब उसने क्या ध्यान नहीं रखा बच्चों डोमेन का डोमेन मानता नहीं है वो बात बच्चा ठीक है लल्लू क्वेश्चन है मैं बस तुम्हें अभी वार्म अप कर रहा हूं
Can I discuss? Yes, sir. स्क्रीन पे देखो, पहले कहा मैंने सबसे पहले डोमेन निकाला, डोमेन क्या है, x greater than 0, करेक्ट, इसके कारण yes, sir. कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है सर इसका क्या डोमेन है, x square plus 75 greater than 0, x square is greater than minus 75, फिर ऐसा कुछ कबाड़ा कर रहा है, ये सब सही है क्या? दोनों का इंटरसेक्शन कैन आई से दिस इज द फाइनल डोमेन? यस सर। अब दोनों जगह लॉग बेस सेम है बट ये 2 को हटाना है तो 2 को कहाँ डाल दूं, 2x के ऊपर डाल दूं? Yes, sir. Is equals to log of x square plus 75. अब इक्वेट कर दिया, 3x square is equals to 75, x square equals to 25, x is plus minus 5, but intersection with domain. So what is the final answer? 5 equals to 5. कोई डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. चलो दूसरा वाला क्वेश्चन भी करना है, अब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, राइट साइड में लॉग ही नहीं है, तो घबराओगे क्या या फिर उसको लॉग टू बेस में लिख सकते हो? Come on. बेसिक डेफिनेशन से भी कर सकते हो, वो भी सेम है, इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। अब से सर आंसर भेजो यार, वापस स्पीच में बोला नहीं समझता, नहीं तो सर गलती से बोल दिया, ये बार मुझे पता था तब, सॉरी सर। यस, अगर यहाँ पे कोई और है तो बेसिक डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो, बट उसको तुम लॉग में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे 3 है तो इमेजिन कर लेना 3 into 1। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि 1 को लॉग के टर्म्स में लिखना बहुत आसान होता है, आया ना? यस सर। और फिर 3 को यहाँ पे ले आओगे और तुम सॉल्व करना चालू कर दोगे, इज दैट क्लियर यहाँ तक? यस सर। अभी तो मैंने डायरेक्टली 1 दिया था, तो 1 को क्या लिख दूंगा मैं? कंपेयर कर लेंगे बच्चों, डोमेन, यस डोमेन भूलना मत, वो तो पहले, ठीक है? यस सर। इज ग्रेटर देन 0, सो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू 0, यूनियन 1 से इनफिनिटी, और अब सॉल्व किया, सो x इनटू x माइनस 1 इज 2, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज 0 बच्चों, सो x माइनस 2 इनटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, सो x इज 2 और माइनस 1। यस सर, दोनों सेटिस्फाई, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही आंसर है। किसी बालक बालिका को डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो डाउट। ओके। कौन है लेट बोल रहा है भाई? दीपक चुप हो जा। चलो ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जल्दी छोड़ रहा हूँ, एंजॉय करो, स्टोरी भी नेक्स्ट क्लास सुनाऊंगा पक्का, स्टोरी नेक्स्ट क्लास, यार आज मूड नहीं आ रहा। ओके सर, थैंक यू सर। बट ये क्वेश्चन और प्रैक्टिस शीट जरूर करके आना है, नेक्स्ट सेशन में अपन डाउट्स डिस्कस करेंगे। अब लॉग के सारे क्वेश्चन कर सकते हो एक्सेप्ट लॉग के कौन से, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन नहीं कर, सुन लिया? यस सर। बाय सर, थैंक यू। पहले पहले ये होमवर्क करना, क्लास होमवर्क, फिर प्रैक्टिस शीट, फिर बुकलेट, क्लियर? यस सर। यस सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।